साथियों नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में किसान साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो अब के वर्ष धान की फसल में शुरुआत अवस्था में ही तना छेदक पत्ता लपेट कीट बहुत ही भारी तादाद में नुकसान पहुंचा रहा है किसान साथियों अगर आपके धान की फसल में भी छेदक और पत्ता लपेट कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है और आप उसके लिए एक अच्छा कीटनाशक तलाश रहे हो तो किसान भाइयों आज मैं आपको एक ऐसा कीटनाशक बताऊंगा जो धान के पत्ता लपेट और तना छेदक में अब के वर्ष सबसे अधिक प्रभावशाली कीटनाशक दिखाई दे रहा है क्योंकि किसान भाइयों जिन भी किसान भाइयों ने अपने खेत में उस कीटनाशक का प्रयोग किया है उनके धान की फसल एकदम फिर से हरी भरी हो गई है किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा लगभग सभी किसानों ने अपने धान की फसल में किसी न किसी कीटनाशक दवा का प्रयोग करके देख लिया लेकिन किसान भाइयों आखिर में उन सभी किसान भाइयों को अपने खेत में इसी कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ा है तभी जाकर उन किसान साथियों के धान की फसल से तना छेदक की सुंडी और पत्ता लपेट का कीट समाप्त हुआ है और हो सकता है आप में से कुछ किसान साथी ऐसे भी हों जिन्होंने वो कीटनाशक प्रयोग किया हो जिसके बारे में मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ और उनके धान की फसल से ये समस्या समाप्त नहीं हुई हो तो किसान भाइयों तो इस कीटनाशक की मात्रा अब के आपको और वर्षों के अपेक्षा अधिक डालनी पड़ेगी तभी आपके खेत से ये समस्या समाप्त होगी और वीडियो के लास्ट में आपके लिए वो खेत भी दिखाऊंगा जिस खेत में इस कीटनाशक का प्रयोग आज से लगभग आठ नौ रोज पहले किया गया था ताकि आप अच्छे से ये समझ सको कि इस कीटनाशक दवा ने धान के तना छेदक और पत्ता लपेट की सुंडी को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया है लेकिन उससे पहले उन सभी किसान साथियों से मेरा अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए जो कीटनाशक बताऊँगा उसका प्रयोग आप दो प्रकार से कर सकते हो चाहो तो आप उसको किसी भी खाद के साथ मिक्स करके अपने खेत में उसका बिखराव कर सकते हो अगर आप उसका बिखराव नहीं करना चाहते तो किसान भाइयों उसकी आप स्प्रे भी कर सकते हो दोनों ही प्रकार से उसका प्रयोग करने पर आपके धान से पूरी प्रकार से तना छेदक और पत्ता लपेट की समस्या समाप्त हो जाएगी तो किसान भाइयों देर ना करते हुए अब आपके लिए उस कीटनाशक के बारे में बताऊंगा तो किसान भाइयों ये वो कीटनाशक है जिसका प्रयोग आपको अपने धान की फसल में करना है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड चार परसेंट जी फॉर्म में आता है इसको आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर अपने धानों की फसल में बिखराव कर सकते हो लेकिन आपको इसका बिखराव करने से पहले दो बातों को समझना होगा तभी आपके धान की फसल से धान का तना छेदक और पत्ता लपेट पूरी प्रकार से समाप्त हो पाएगा साथियों पहली बात आपको ये समझनी होगी आप जिस भी खाद के साथ मिलाकर इसका बिखराव अपने धान की फसल में करो उस खाद की मात्रा आपको एक एकड़ के लिए पंद्रह बीस किलो ही रखनी है अधिक नहीं रखनी क्योंकि किसान भाइयों जिस भी खाद का आप अपने धान की फसल में इसके साथ मिलाकर बिखराव करोगे वो खाद धान की पत्तियों को बहुत ही मुलायम बना देगा जिससे पत्ता लपेट का कीट समाप्त नहीं हो पाएगा इसलिए किसान भाइयों आपको विशेष करके इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ज़्यादा खाद का प्रयोग इस कीटनाशक दवा के साथ मिलाकर नहीं करना है वहीं साथ में आपको बताना चाहूँगा वैसे तो इसकी डोज एक एकड़ के लिए पाँच किलो पर्याप्त होती थी लेकिन किसान साथियों अब के वर्ष धान की फसल में बहुत ही अधिक मात्रा में छेदक और पत्ता लपेट की समस्या दिखाई दे रही है इसलिए किसान साथियों अब के वर्ष आपको एक एकड़ के लिए इसकी मात्रा सात से आठ किलो रखनी होगी तभी जाकर आपके धान की फसल से ये दोनों रोगों को समाप्त कर पाएगा दूसरी बात किसान भाइयों आपको ये याद रखनी है जिस भी धान के खेत में आप इसका बिखराव करो उस खेत में पानी होना आवश्यक है अगर पानी नहीं है तो इसका बिखराव करने के तुरंत बाद आपको अपने धान की फसल में पानी भरना होगा तभी ये पूरी प्रकार से कार्य करेगी किसान साथियों अगर आप बिखराव नहीं करना चाहते अपने धान की फसल में स्प्रे करना चाहते हो तो आप कार्टा 50 एसपी का स्प्रे कर सकते हो इसकी मात्रा भी आपको अधिक लेनी होगी किसान भाइयों वैसे तो ये एक एकड़ के लिए ढाई सौ ग्राम ही पर्याप्त रहता था लेकिन अब की बार आपको इसकी मात्रा एक, एक एकड़ में तीन सौ से चार सौ ग्राम रखनी होगी तभी आपके धान की फसल से पूरी प्रकार से तना छेदक और पत्ता लपेट के कीट को समाप्त करेगा तो किसान भाइयों अब मैं आपके लिए अपने वो धान दिखाऊंगा जिसमें हमने इसका बिखराव आज से लगभग दस रोज पहले किया था तो किसान भाइयों ये हमारे वो धान हैं जिनमें हमने आज से दस रोज पहले कारप चार परसेंट जी का प्रयोग किया था तो किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे इसका बिखराव करने के बाद हमारे धानों में अब कोई नया पौधा नहीं सूख रहा जो भी पौधा सूखा था वो तभी सूख गया था तब तक हमने इस दवा का प्रयोग नहीं किया था आपको एक भी पौधा नया सूखा हुआ नहीं मिलेगा तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ में उन किसान साथियों से फिर से मेरा अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके